कन्याकुमारी, वेयर इंडिया मीट्स द ओशंस एम्ब्रेस। ये इंडिया के सदर्न मोस्ट टिप पर है और ये वही जगह है जहां अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन मीट, क्रिएटिंग अ यूनिक माइक्रो क्लाइमेट। Staying at this property known as the Sagra Resort at the Kovlam Beach only, and the balcony se bilkul beach dikhta hai, and there's a lighthouse also just adjacent to the beach. So aaj ka plan is to go to Kanyakumari. Aise to Kovlam se Kanyakumari is just 85 kilometers, but because it is in the state of Tamil Nadu, so we do need a permit for that. Aur jo permit ka cost hai, it is 600 rupees per week. कन्याकुमारी अपने विवेकानंदा रॉक मेमोरियल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसको विजिट करने के लिए हर दिन यहाँ से बहुत सारी फेरीज चलती है। अगर आप नॉर्मल लाइन में लगते हैं तो फेरी की टिकट इज 75 रुपीज़ पर पर्सन। एक एक्सप्रेस एंट्री भी होती है जिसकी प्राइस इज 300 रुपीज़ पर पर्सन, एंड आपको भीड़ में खड़े रह के फेरी की टिकट परचेज करनी नहीं पड़ती। पर ये VIP ट्रीटमेंट सिर्फ आपको जाते समय ही मिलेगा। मेमोरियल से आने के लिए तो आपको वही अपनी टर्न का वेट करना पड़ेगा भीड़ में। फेरीज हर दिन मॉर्निंग 8 AM से 4 PM तक चलती है, जो मेमोरियल पर लेके जाती है, एंड अंदर विजिट करने के लिए वहाँ पे आपको अलग से 20 रुपीज़ की टिकट और खरीदनी पड़ेगी। सबसे पहले अंदर आते ही एक मेन हॉल है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद इज बिलीव्ड टू हैव मेडिटेटेड, एंड पास में ही उनका बड़ा सा ब्रॉन्ज स्टैचू भी बना हुआ है। इट इज रियली फैसिनेटिंग टू सी द सनराइज कैलेंडर ओवर हियर, क्योंकि द टाइमिंग ऑफ सनराइज एंड सनसेट एट द मेमोरियल वेरीज थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू अर्थ्स एक्सियल टिल्ट एंड इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे रॉक मेमोरियल के अलावा देर आर फुटप्रिंट्स ऑफ गॉडेस देवी, तो आई डिड नॉट मे बी ड्रेस अप अकॉर्डिंगली। मोर ओवर बिकॉज यहाँ पे अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल मिलते हैं, तो यहाँ पर देर इज कंसिस्टेंट गश ऑफ ब्रीज, सो ड्रेस अप अकॉर्डिंगली सो दैट आप मेरे जैसे यहाँ पे अनकम्फर्टेबल ना हो। कन्याकुमारी से वापस आकर हम सबसे पहले कोवलम लाइट हाउस गए। तो द विजिंजम लाइट हाउस इज अ प्रोमिनेंट लैंडमार्क ऑफ कोवलम। दिस लाइट हाउस रिमेन्स ओपन ऑन ऑल द डेज एक्सेप्ट मंडे फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM टिल 12:30 PM एंड फ्रॉम 2 PM टू 5 PM, और इसकी एंट्री टिकट इज 20 रुपीज़ पर पर्सन। This lighthouse also serves as a functional navigational aid. ये lighthouse 1972 में बना था and it stands tall at a height of about 35 meters. आप बहुत ही easily ऊपर top तक जा सकते हैं for the panoramic views of the Arabian Sea. Ended our day by taking a stroll at the beach. Kal we will be exploring the Puvar Islands, and I hope you enjoyed this vlog. So stay tuned and make sure to like, share, comment, and subscribe to our channel for more such vlogs.